अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं आप लोगों के सीक्रेट्स, ऐसे सीक्रेट्स जिनको फॉलो कर आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर हाईएस्ट स्कोर ला सकते हैं। और ये सारे सीक्रेट्स आप लोगों के हर एस्पेक्ट को कवर कर रहे होंगे। वो आपकी राइटिंग स्पीड हो सकती है, वो आपकी पेपर प्रेजेंटेशन हो सकती है, वो आपकी मेमोराइजेशन हो सकती है, चीज़ों को याद करने की पावर हो सकती है, और वो आपके पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका हो सकता है। अगर आप आज इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देख लेते हो तो इस बात की गारंटी देता हूँ आप लोगों को कि जब आपका पेपर चेकर के पास जाएगा ना बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, तो वो आपको पूरे नंबर दिए बगैर नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि आप लोग अपने उस काम के अंदर इतने ज़्यादा परफेक्ट हो जाओगे, इतने ज़्यादा उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे कि आपके नंबर कट ही नहीं सकते। एक वो बच्चा जो कि सारा साल मेहनत कर रहा है, सारा साल एक चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा है, उसकी प्रैक्टिस कर रहा है, और एक बच्चा जो कि बिल्कुल एंड पर आकर प्रैक्टिस कर रहा है, उन दोनों में फ़र्क होगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा, डिस्करेज तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि बच्चा अगर जिसने बाद में पढ़ना स्टार्ट किया है वो अच्छा नहीं स्कोर कर सकता, वो भी अच्छा स्कोर कर सकता है। लेकिन बात है कि उसको उसकी कोरस्पॉन्डेंस ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू वो बच्चा जो कि सारा साल से ही लगा हुआ है अपनी पढ़ाई को लेकर। सो हम लोग जिस बारे में, जिस मेन मॉड्यूल पर बात करने लगे हैं वो है प्रैक्टिस। ठीक है, आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स को तैयार कैसे करो, उसको याद कैसे करो। आप फॉर एग्जांपल, आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी नहीं है, आपको पता कि यार राइटिंग अच्छी, मेरी स्पीड अच्छी नहीं है, क्या करो आप उसकी प्रैक्टिस करो, आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी हो जाएगी। आप लोगों को चीजें याद नहीं होती तो उसका एक ही हल है कि बार बार याद करना स्टार्ट कर दो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, अपनी किसी भी स्टूडेंट लाइफ के अंदर अगर आप इस फैक्टर को ऐड कर देते हो ना कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, आप लोग उस चीज में एक्सपर्ट होना स्टार्ट हो जाते हो। आपको एक दो दिन के अंदर रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको 5-6 दिन या 5-6 वीक्स के बाद आपको वाजे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सो अभी वो टाइम है कि आप लोग अपने अंदर इस चीज को ऐड करो कि आपको जो चीज मुश्किल लगती है, जो चीज आपको नहीं आती, ठीक है, आप लोग ये बजाय इसके यार ये मैं छोड़ देता हूँ, इसको मैं नहीं करता, ये कौन सा पेपर में आनी है, अपने आपको जो दिलासे देते रहते हैं उसकी बजाय अगर उस चीज को याद करना स्टार्ट कर दे, उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे। आपको मैथ नहीं आता, आप क्या करो सिंपल उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। आपको केमिस्ट्री के रिएक्शन नहीं आते, आप क्या करो उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, उसको बार बार करो, उसको बार बार याद करो, बार बार लिखो, आपको वो चीज आ जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको वो चीज ना आए। आपको कोई चीज याद नहीं होती, ठीक है, आपको फॉर एग्जांपल आपको उर्दू में जो इजाफी इशार होते हैं आपको वो नहीं आते, आपको इस्लामियात की आयात याद नहीं होती, तो यार बार बार याद करो, बार बार प्रैक्टिस करो, आराम से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, आपको मोहम्मद अली का तो पता होगा, जी वही मोहम्मद अली द ग्रेट बॉक्सर, ठीक है, उनसे जब उनका एक मैच हुआ तो जब वो रिंग में आए तो उन्होंने आते साथ एक ही पंच मारा अपने ओपोनेंट को और ओपोनेंट ढेर हो गया नीचे, और जो मैच था वो उसी टाइम खत्म हो गया। जब एक एंकर ने आकर उनसे सवाल किया ना कि ये कैसे हो सकता है कि एक पंच से आप इतने मिलियन डॉलर्स जीत पाओ, क्या ये पॉसिबल है, तो उन्होंने कहा इस पंच को बनाने के लिए मैंने 21 ईयर्स प्रैक्टिस की है। 21 ईयर्स तक, अब जिसको भी पढ़ता है वो एक मिनट में ढेर हो जाता है। ठीक है, तो मेन चीज क्या है, प्रैक्टिस, कि आप किसी चीज को कितने ज्यादा बेहतर तरीके से और कितनी मर्तबा करते हो। ठीक है, अगर हम बात करें कि आपकी सारी तैयारी हो चुकी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल सारी तैयारी हो चुकी है, अब क्या करने का टाइम आ गया, अब है आपका टेस्ट देने का टाइम। टेस्ट क्या है, बेसिकली आपकी प्रैक्टिस है कि आप एक चीज को जो कि आपने सारा पहले सिलेबस को कवर किया, उसके बाद आपने उसको उसका रिवाइज किया, उसके बाद आपने उसके टेस्ट दिए। अगर आप 50-60 टेस्ट अपने बोर्ड एग्जाम्स में जाने से पहले अगर आप लोग दे देते हो तो आपकी सोच खुद सोचे कि कितनी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो गई। उस प्रैक्टिस को जब आप बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जाकर बैठोगे तो आपको तो ये हलवा लगेगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने इतने टेस्ट दे दिए तो ये वाले टेस्ट क्या बात है। ठीक है, लेकिन वो बच्चा जो इतनी प्रैक्टिस नहीं कर रहा, जो कह रहा है कि यार मैं वैसे ही कर लूंगा, ठीक है, या मतलब कि बगैर पढ़े कुछ हो सकता है, तो जब वो पेपर में जाकर बोर्ड एग्जाम दे रहा होता है ना तो उसके हाथ कांप रहे होते हैं। ठीक है, उसको समझ नहीं आ रही होती कि यार ये कैसे करना है, बजाय उसके वो बच्चा जिसने इतनी प्रैक्टिस की है, अब उसको वो आदत हो चुकी है, अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बोर्ड का कोई एग्जाम है या कोई बहुत ही बड़ा एग्जाम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको उस चीज़ की प्रैक्टिस हो चुकी है। सो आप लोग अगर आपकी पेपर प्रेजेंटेशन वीक है, आप क्या करो, आप हर रोज अपने पेपर प्रेजेंटेशन एक पेज लो, उसके ऊपर अपने सब्जेक्टिव टाइप, क्वेश्चन आंसर्स, यानी कि मेन मेन जितनी भी हेडिंग्स होती हैं जो कि आपके पेपर प्रेजेंटेशन को अफेक्ट करती हैं, अच्छी लगती हैं, ठीक है, आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करो, आपको आसानी से वो चीज़ याद हो जाएगी, बजाय आपके यार मुझे बस हो जाएगी, ठीक है, या मैं देखी जाएगी बोर्ड एग्जाम में जाकर। तो जब वो देखी जाती है, फिर कोई आपको देख रहा होता है, आपकी जो शक्ल बनी होती है ना उस टाइम, ये इतने ऐसे टेरर आ रहा होता है, ठीक है। सो उस चीज से बचने के लिए एक चीज ऐड कर दो, प्रैक्टिस अपने लाइफ के अंदर, ठीक है, आप हर जगह आप अच्छा और सक्सेसफुल बनकर लौटोगे।
सो मेन जो हमारी आज की वीडियो का मोटिव था वो यही था कि आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोग किसी भी पॉइंट पर वीक हो अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के अंदर, उस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। आने वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ टाइम टेबल शेयर करने लगा हूं आपके बोर्ड एग्जाम्स के, कि अब अगर हमारे पास 15 से 20 दिन रह गए, ठीक है, क्योंकि अभी हमने सीरीज स्टार्ट की थी पहले 4 मंथ्स के बाद, फिर 2 मंथ, फिर 1 मंथ, अब हम 15 डेज पर आने वाले हैं, कि इस 15 डे के अंदर आपका रिविजन सेशन क्या होना चाहिए। मे बी बोर्ड एग्जाम्स आपके 15 डेज के बाद हों, लेकिन हम क्योंकि जितना हम अपने आप को प्रेशर में रखेंगे ना, प्रेशर से मुराद ये नहीं कि एक्सटर्नल प्रेशर, हम अपने आप के अंदर अपने आप को चैलेंजिंग रखेंगे ना, उतना हम ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स को। और बस आपको क्या चाहिए, आपको एक राइट गाइडेंस चाहिए कि यार ऐसे काम करना है। अगर आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी ना, अगर एक तरफ 1000 की फौज हो और एक तरफ सिर्फ एक कमांडर हो जो कि उनको कमांड कर रहा है, तो वो जंग जीत सकते हैं। लेकिन अगर वो 1000 की फौज है लेकिन उनका कोई कमांडर नहीं है, उनको कोई कमांड देने वाला नहीं है, कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है, तो वो बिल्कुल फिजूल है, बिल्कुल फारग है, ठीक है। तो आई थिंक मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से गाइड कर पाऊँ इंशाल्लाह आपके आने वाले टाइम के अंदर, आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर आए तो इससे मुझे खुशी होगी और मैं इस चीज़ का प्राउड फील करूंगा कि जब आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स के बाद अपने रिजल्ट्स का स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर रहे होंगे कि यार मुझे मेरे भाई इतने 95, 96, 97, 98% नंबर आए हैं। सो एक चीज़ आप लोगों ने क्या चीज़ अपने ऐड करनी है अपनी लाइफ के अंदर, हर चीज़ की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना, बार बार रिपीट करना स्टार्ट कर देना। कोई चीज़ याद नहीं होती, बार बार रिपीट करके याद करो, ठीक है, आसानी से आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है अपने आने वाली वीडियो से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, साथ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर वहां पर भी मुझे DM कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल अपने छोटे बहन भाइयों की तरह वेलकम करूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर में और ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचे, ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचे, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और आप लोगों के छोटे बहन भाइयों के लिए भी इस पर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आने वाली हैं, इसलिए अपना बहुत का ख्याल रखें, अपने छोटे बहन भाई का ख्याल रखें, अपनी तैयारी को बेस्ट रखें, ठीक है, अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिजान तनवीर को इजाज़त दें, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।